الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आप देख रहे हैं Walk Under the Shade of Quran और आज का हमारा टॉपिक है सूरह अल-फातिहा। जैसे कि हर बुक का कोई प्रीफेस होता है, जब आप कोई बुक उठाते हैं तो आप सबसे पहले उसका प्रीफेस चेक करते हैं, उसका कंटेंट पेज चेक करते हैं कि इस बुक का असल मौजू क्या है, ये किन चीज़ों पे बात कर रही है ये बुक। इसी तरीके से सूरह अल-फातिहा कुरान मजीद का प्रीफेस है, उसका कंटेंट पेज है कि आप उस बुक को उठाएंगे और सूरह अल-फातिहा को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बुक किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है। तो कुरान का प्रीफेस सूरह अल-फातिहा है और इस सूरह अल-फातिहा के अंदर देयर आर सो मैनी लेसन्स फॉर यूथ, जिसको हम ट्राई करेंगे कि आज समझें और इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें इंशाअल्लाह। हम सूरह अल-फातिहा रोज़ाना कम अज़ कम 17 टाइम्स पढ़ते हैं, जो फ़राइज़ हैं, जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उसके अंदर हम 17 रकातों के अंदर 17 मरतबा हम सूरह अल-फातिहा को पढ़ते हैं। और इससे पता चलता है कि सूरह अल-फातिहा हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसको हर नमाज के अंदर, हर रकात के अंदर फ़र्ज़ कर दिया। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ला सलाता लिमन लम यक्रा बिफातिहा अल किताब, देयर इज़ नो सलात देयर इज़ नो प्रेयर व्हिच इज़ वैलिड विदाउट सूरह अल-फातिहा। अगर आप सूरह अल-फातिहा नहीं पढ़ते तो आपकी नमाज वैलिड नहीं है। इससे पता चलता है कि सूरह अल-फातिहा हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ लाइक अ वर्ल्ड व्यू कि आप इस नज़रिए से आप पूरे कुरान को देखना है। सूरह अल-फातिहा समझ में आ गई तो पूरा कुरान समझ में आ गया, सूरह अल-फातिहा समझ में आ गई तो ज़िंदगी समझ में आ गई, सूरह अल-फातिहा समझ में आ गई तो सारे मसाइल का हल मिल गया। इन अनदर हदीस अबाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी, आई हैव डिवाइडेड द प्रेयर बिटवीन मी एंड माई स्लेव। इट इज़ एक्चुअली सूरह अल-फातिहा। सूरह अल-फातिहा को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने डिवाइड कर दिया है अपने और अपने बंदे के दरमियान। वइज़ा क़ाल अब्दी, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब वो कहता है कि ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू अल्लाह द वन हु इज़ रब्बुल आलमीन, द वन हु इज़ माई क्रिएटर, जो कि मेरा क्रिएटर है, मेरा राजक है, मेरा मालिक है, मेरा हाकिम है, मैं उसकी प्रेज़ कर रहा हूँ, आई एम प्रेजिंग टू हिम, मैं उसकी तारीफ बयान कर रहा हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रिस्क किसी और चीज़ के हाथ में नहीं है, मेरी जॉब के अंदर नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि आपका जॉब इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए, आपकी डिग्री बहुत अच्छी हो, लेकिन आपकी जॉब ना लगे, क्योंकि आपका रिस्क अल्लाह के हाथ में है। तो जब हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम ये एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि मेरा रिस्क अल्लाह के हाथ में है, मेरा खालिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला है, मेरा हाकिम, दुनिया के अंदर जितनी भी हुकूमत है, जितनी भी मामलात चल रहे हैं इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया से बाहर, चाहे वो सोलर सिस्टम के मसाइल क्यों ना हो, वो सब के सब अल्लाह के हाथ में है। तो मैं जब ये कह रहा होता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं असल में ये तारीफ़ बयान कर रहा होता हूँ अल्लाह की कि अल्लाह इतना बड़ा है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी उसकी तरफ नहीं जा सकती, मैं उसको कम्प्लीटली समझ नहीं सकता। तो मैं अपनी हम्बलनेस शो करता हूँ कि अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है। फिर अल्लाह सुब्हान तआला उसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। क्या अल्लाह सुब्हानहु तआला को हमारी तारीफ़ की ज़रूरत है? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या अल्लाह सुब्हानहु तआला को हमारी इबादत की ज़रूरत है? तो मेरा क्वेश्चन है, क्या अल्लाह सुब्हानहु तआला को हमारी तारीफ़ की ज़रूरत है, जो अल्लाह सुब्हानहु तआला फरिश्तों के दरमियान बता रहे होते हैं कि हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की? अल्लाह सुब्हानहु तआला को हमारी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु तआला हमें अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को हमारी इबादत की और हमारी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम उसकी तारीफ़ करते हैं, जब हम उसकी इबादत करते हैं, तो हमें अप्रिशिएट करता है। वो फरिश्तों को बताता है कि ये वो मखलूक है जिसके बारे में तुम कहते थे कि ये खून रेजी करेगी, ये फसाद फैलाएगी, देखो ये वो मखलूक अब मेरी तारीफ़ कर रही है, मेरी इबादत कर रही है। आगे हम कहते हैं अर रहमान अर रहीम, अर रहमान अल्लाह सुब्हानहु तआला दुनिया में है, दुनिया की ज़िंदगी के लिए है, कि वो काफिरों को भी रिस्क देते हैं, वो मुसलमानों को भी रिस्क देते हैं, वो काफिरों को भी ज़िंदगी देते हैं, मुसलमानों को भी ज़िंदगी देते हैं, वो कुफ्फार के साथ भी रहम करने वाले हैं और मुसलमानों के साथ भी रहम करने वाले हैं। लेकिन क़यामत के दिन रहम का मामला
सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ होगा, कुफार के साथ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ रहम होगा कि हम क़यामत के दिन आएंगे बहुत सारे गुनाहों के साथ आएंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला हमें माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। दिस आवर बिलीफ कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हान व तआला मोमिनीन के साथ ख़ास तौर पर रहम करेगा। इट डजंट मीन कि आप गुनाह करना शुरू कर दें। इट डजंट मीन कि ओ अल्लाह इज़ गफूर रहीम, अल्लाह विल फॉरगिव ऑल माई सिन, तो मैं जो चाहे करूँ, मैं चाहे म्यूज़िक सुनूँ, चाहे मैं लोगों को तंग करूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला माफ़ कर देगा। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि अल्लाह सुब्हान व तआला माफ़ तो कर देगा, लेकिन जब लोगों का मामला आएगा, जब आपने किसी को हर्ट किया होगा, किसी की बैकबाइटिंग की होगी, किसी के साथ झूठ बोला होगा, किसी के साथ ज्यादती की होगी, अल्लाह विल नॉट फॉरगिव अनटिल दैट पर्सन फॉरगिव यू। जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा ना, तब तक अल्लाह सुब्हान व तआला माफ़ नहीं करेंगे। तो अल्लाह सुब्हान व तआला इसका जवाब देते हैं, जवाब कहते हैं रहमान और रहीम, तो अल्लाह सुब्हान व तआला जवाब देते हैं अथना अलैय अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ को और बढ़ा दिया। जैसा कि मैं कह रहा था कि जब तक लोग माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह सुब्हान व तआला माफ़ नहीं करेगा, उसकी वजह यह है कि अल्लाह इज़ मालिकी यौमिद्दीन। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम कहते हैं, वो कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन, कि ए अल्लाह आप मालिकी यौमिद्दीन भी हैं, आप क़यामत के दिन के मालिक भी हैं। दुनिया के अंदर अगर मैं ज़्यादती करूँगा, अगर मैं किसी को हर्ट करूँगा, किसी की बैकबाइटिंग करूँगा, किसी को तंग करूँगा, किसी के साथ और कोई और ज़्यादती करूँगा, तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे अकाउंटेबल ठहराएंगे क़यामत के दिन। पूछेंगे इधर आओ, तुमने ये क्यों किया था, और मेरे पास और आपके पास शायद कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लम ने पूछा कि हु इज़ द बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट कौन है। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैंकक्रप्ट और कौन हो सकता है सिवाय उस बंदे के जो कि पुअर हो, जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास माल ना हो, जिसके पास दौलत ना हो, वही तो बैंकक्रप्ट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इस्लामिक पैराडाइम के अंदर बैंकक्रप्ट वो नहीं है जिसके पास पैसा और माल और दौलत ना हो। बैंकक्रप्ट असल में वो है जो क़यामत के दिन आएगा बहुत सारी नेकियों के साथ, ये उसकी नेकियाँ होंगी, लेकिन एक बंदा आएगा और कहेगा या अल्लाह इस बंदे ने मुझे फ़लाँ टाइम पर हर्ट किया था, तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहेंगे कि लाओ अपनी नेकियाँ दो उस बंदे को। फिर एक और बंदा आएगा, उसने कहा, वो कहेगा या अल्लाह इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की थी, अल्लाह आपके नामे आमाल में से अच्छे काम उसको दे देंगे। फिर एक बंदा आएगा, वो कहेगा अल्लाह उसने मुझे फुटबॉल खेलते हुए टांग अड़ाई थी जानबूझ के, अल्लाह कहेंगे तुमने उसके साथ उसको तकलीफ़ पहुंचाई थी, उसको अपने नेकियां दे दो। फिर एक बंदा आएगा, वो कहेगा कि अल्लाह उसने जो है मुझे ज़ोर से हॉर्न बजाया था, मैं डर गया था, अल्लाह कहेगा तुमने उसे तंग किया था, उसको दो। यहाँ तक कि एक टाइम आएगा कि आपके पास नेकियाँ ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ गुनाह के गुनाह बच जाएंगे, और बंदे होंगे जो कहेंगे इसने मेरे साथ ये किया था, ये किया था, ये किया था, और आप कहेंगे या अल्लाह मेरे पास तो कोई नेकी नहीं बची जो मैं इनको दे सकूं, तो अल्लाह कहेंगे कि ये लो अब तुम इनके गुनाह को पकड़ो। तो एक बंदा जो नेकियों के साथ आएगा वो गुनाहों के साथ जा रहा होगा। सो इसीलिए बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि हम किसी को तंग तो नहीं कर रहे, किसी को अनइंटेंशनली तो हर्ट नहीं कर रहे। इंटेंशनली तो हम वैसे तो बहुत करते हैं, लेकिन इवन अनइंटेंशनली भी हम नहीं कर रहे, हमें चेक करने की ज़रूरत है। अगर हम कर रहे हैं तो हमें अल्लाह सुब्हान व तआला से वैसे ही माफ़ी मांगनी चाहिए, वैसे ही मुसलमानों के बारे में अच्छा ख्याल रखना चाहिए, वैसे ही लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप छोटे नहीं हो जाएंगे अगर आप मांग लेंगे माफ़ी, कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपको ऊपर कर देगा। जब आप लोगों से अल्लाह के लिए माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हान व तआला आपको ऊपर कर देगा, बुलंद कर देगा। Another lesson we can learn from Malik Yawmiddin, मेरे पास बहुत सारे youth आते हैं और वो आके सवाल करते हैं कि whether God exists or not, या खुदा है कि नहीं है, या इस दुनिया के अंदर evil क्यों नहीं, all the questions related to atheism. तो मैं उनको ये अक्सर जवाब देता हूँ कि अगर let's think कि अगर atheism true होता, अगर atheism सही है, थोड़ी देर के लिए हम ये सोच रहे थे कि atheism is true, तो इस दुनिया के अंदर क्या होगा। There will be no value. किसी की कोई वैल्यू नहीं होगी,
हर बंदा एक जैसा होगा, मेरी और एक गाड़ी की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज वो भी एक मटेरियल है, मैं भी एक मटेरियल हूँ, मेरी भी कोई पर्पस डिफाइंड नहीं, उसका भी कोई पर्पस डिफाइंड नहीं है। हाँ, लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन गॉड गिफ्टेड पर्पस तो नहीं है। तो देयर विल बी नो वैल्यू, नो पर्पस, और उसके साथ साथ देयर विल बी नो अकाउंटेबिलिटी। कोई अकाउंटेबिलिटी का एहसास नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा। मैं चाहे जिसको मारूं, जिसको धक्का दूं, जिसके साथ ज्यादती करूं, कुछ भी करता रहूं, मुझे कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का एहसास कि हमें क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब देना है, वो असल में हमें बहुत सारे गुनाहों से रोकती है, बहुत सारी ज्यादतियों से रोकती है, बहुत सारे मसाइल से रोकती है। लोगों के साथ डाकू क्या करता है? डाकू आजकल पाकिस्तान के अंदर लोग डकैतियाँ क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि कानून नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसी तरीके से अगर दुनिया में ये एक आइडियोलॉजी फैल जाए कि देयर विल बी नो अकाउंटेबिलिटी आफ्टर दिस लाइफ, तो लोग जो हैं वो सब कुछ करेंगे, उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं होगा कि कहाँ पे रुकना है, कैसे रुकना है, कब रुकना है, कुछ नहीं होगा। वो एक दूसरे के साथ ज्यादतियाँ करते जाएंगे, लोगों को मारते जाएंगे, कत्ल होते जाएंगे, और फिर इस दुनिया में बर्बादी ही होगी। सो ये अकाउंटेबिलिटी का एहसास, मैं नौजवानों को कहता हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी का एहसास कि मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का अल्लाह मालिक है, वो बहुत ज़रूरी है। इसका एक और जवाब ये भी देता हूँ कि अगर किसी के साथ ज़्यादती हो जाए, कोई किसी को मार दे, किसी के बाप को कत्ल कर जाए, तो बेचारा क्या करेगा? या अगर किसी के साथ रेप हो जाए, तो वो बेचारा क्या करेगा? इस दुनिया के अंदर उसको कोई बदला मिलने वाला नहीं है, वो क़यामत का दिन ही है जिसमें उसको बदला मिलेगा। और इस दुनिया के अंदर ना मिले और उसको ये एहसास भी ना हो कि क़यामत का दिन मिलने वाला है, तो बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा। इसीलिए वो ममालिक वेस्ट के अंदर जहाँ पे एथियज़म ज़्यादा है, वहाँ पे डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका के अंदर हर रात मिलियंस ऑफ स्लीपिंग टैबलेट्स बिकती हैं, स्लीपिंग पिल्स बिकी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रातों को नींद नहीं आती लोगों को, वहाँ पे लोगों को डिप्रेशन है, वहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी का कोई पर्पस है कि नहीं है। और ये वजह है एथियज़म की, ये वजह है उनकी खुदा को ना मानने की, कि वो डिप्रेशन में जाते हैं, उनकी वैल्यू, उनका पर्पस, उनकी लाइफ का कोई मकसद कुछ नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वो इस पर बिलीफ नहीं रखते और उनके अंदर डिप्रेशन है। तो मालिक यौमिद्दीन जब हम कहते हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं, फवदा इलैय अब्दी, मेरे बंदे ने अपने सारे काम मुझ पर छोड़ दिए, उसके सारे मामलात मेरे पास हैं। उसके साथ ज्यादती हुई है, उसने किसी के साथ अच्छा भी किया और उसको उसका बदला नहीं मिला। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह क़यामत के दिन मालिक है, तो अल्लाह विल रिवॉर्ड यू। आगे हम कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, ये दोनों इबादत नहीं है, यानी मदद मांगना इबादत में शामिल नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसको अलग से क्यों मेंशन किया? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं स्पेशली, जो कि अल्लाह से मदद तो मांगते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह की इबादत नहीं करते। और इसकी अगर आपको इसको देखना है, तो यू कैन गो टू एनी एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे पेपर्स हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे नौजवानों को देखिएगा, बहुत सारे नौजवान जिन्होंने कभी शायद नमाज नहीं पढ़ी होगी, वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो दुआएं मांग रहे होते हैं, वो सर पे टोपी लगा लेते हैं, वो नेक बन जाते हैं, सारे गुनाह छुड़ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अल्लाह से मदद चाहिए होती है, तो वो इबादत नहीं कर रहे हैं, वो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। तो या कहना अबुदू, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो मदद भी अल्लाह से मांग रहे हैं, लेकिन सिर्फ मदद मांग कर छोड़ नहीं देना, बल्कि उसकी सारी ज़िंदगी इबादत करनी है। तो हमारा एटीट्यूड अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ ऐसा है कि अल्लाह सुब्हान व तआला की जब हमें नीड होती है तब हम अल्लाह को पुकारते हैं, जब हमें अल्लाह की नीड नहीं होती तो हम अल्लाह की इबादत भी नहीं करते। एंड दिस इज़ वेरी सैड रियालिटी, दिस इज़ वेरी सैड रियालिटी। और ज़्यादातर इसमें नौजवान होते हैं, बूढ़े तो वैसे ही मस्जिद चले जाते हैं, वो तो वैसे ही मस्जिद के अंदर होते हैं, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, पहली सफ के अंदर होते हैं, 10 मिनट पहले पहुँच जाते हैं नमाज से। लेकिन इट इज़ अ टेस्ट फॉर द यूथ
ये असल तो नौजवानों का इम्तिहान है। क्या तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला को उस वक्त भी पुकारते हो जब तुम्हें अल्लाह की ज़रूरत नहीं होती? तो ये बहुत बड़ी सैड रियलिटी, और हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हम 5 वक्त की नमाज़ अपने टाइम में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसके बगैर मुसलमान नहीं है, यानी आप ट्रू मोमिन नहीं है, ट्रू मुसलमान नहीं है अगर आप नमाज नहीं पढ़ते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका जवाब देते हैं जब हम कहते हैं या नअबुदु व या नस्तईन, अल्लाह रिप्लाइज के हाजा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, यानी इसमें कोई और शामिल नहीं है। दिस इबादा इज़ बिटवीन मी एंड माई स्लेव, ये मेरा और मेरे बंदे का ताल्लुक है। वली अब्दी मा सअला, और मेरे बंदे को वह अता कर दिया जाए जो वो सवाल करेगा। हम क्या सवाल करते हैं? दुनिया का पैसा मांगेंगे शायद आगे, हम दौलत मांगेंगे, हम डिग्री मांगेंगे, एजुकेशन मांगेंगे, कोई अच्छी सी खूबसूरत सी बीवी मांगेंगे। नहीं, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी की ज़रूरियात तो हैं, लेकिन ये ज़िंदगी का असल नहीं है। ज़िंदगी का असल जो हम मांगते हैं, जो कि हमारी बेसिक ज़रूरत है, जिसके बगैर हम दुनिया में रहना ही बेकार है, वो है इहदिनस सिरात वल मुस्तकीम, ओ अल्लाह गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दे, हमें वो रास्ता बता दे जो हमें तुझ तक पहुंचा दे, आप तक पहुंचा दे यार, वो रास्ता बता दे। दिस इज़ द बेस्ट नेमा, दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपॉन अस। ये मिल जाए, दुनिया की कोई चीज़ ना मिले, यू आर सक्सेसफुल। और ये ना मिले, दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएं, यू आर अ बिगेस्ट फेलियर, यू हैव लॉस्ट योर लाइफ, आपने ज़ाया कर दी अपनी ज़िंदगी। इफ़ यू आर नॉट ऑन हिदाया, इफ़ यू आर नॉट ऑन इस्लाम, इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इस्लाम, यू हैव लॉस्ट योर लाइफ। इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, ओ अल्लाह गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ। इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं कि सबीलुल्लाह तवीलुन, अल्लाह का रास्ता बहुत तवील है, बहुत लंबा है। द रिक्वायरमेंट इज नॉट टू रीच द डेस्टिनेशन, कि आप उस जगह तक पहुंच जाएं, बल्कि रिक्वायरमेंट इज अंतमूता व अंत अला हाजत तरीक, कि जब आपकी डेथ हो, जब आपका डे ऑफ डेथ हो, आप इस रास्ते के अंदर हो, चाहे आप भाग के जा रहे हो इस रास्ते पे, चाहे आप चल के जा रहे हो, चाहे आप क्रॉल कर रहे हो, यानी आप सिंध भी कर रहे हैं और साथ में वापस तौबा कर लेते हैं, आप गुनाह करते हैं, आप कहते हैं यार अब मुझसे गलती हो गई और वापस उस रास्ते पे आ जाते हैं, लेकिन जब आपकी मौत आए तो आप इस रास्ते पे हो। दिस इज़ एक्चुअली अ सिरात मुस्तकीम। तो आप गलती करेंगे, आप गुनाह करेंगे, कभी कभार आप मूवी देख लेंगे जो कि नहीं देखनी चाहिए, कभी कभार आप म्यूज़िक सुन लेंगे जो कि नहीं करना चाहिए, कभी कभार आप नॉन महरम से बात कर लेंगे जो कि नहीं करना चाहिए, यानी ओवरली टॉक, ओवरली कॉन्वर्सेशंस नहीं करनी चाहिए, आपने कर ली। और हर बंदे से गुनाह होता है, मुझसे भी गुनाह होता है, आपसे भी गुनाह होता है, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, लेकिन टेस्ट ये है कि हम में से कौन तौबा करता है, कौन वापस पलटता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ, कि अल्लाह गलती हो गई है, माफ़ कर दे। तो इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, अल्लाह इस रस्ते पर रखेगा, सिरात अल लज़ीन अनअमत अलैहिम, और ये उन लोगों का रास्ता है या रब जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने ब्लेस किया, जिन पर तेरी ब्लेसिंग्स हुई। और ये वो लोग हैं, एक आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहु तआला कहते हैं कि ये अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन हैं, ये वो लोग हैं। तो वी ऑल वांट टू बी पार्ट ऑफ द बेस्ट गैंग। हम स्कूल में देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट गैंग हो, सबसे ज़्यादा बेस्ट ग्रुप हो, उसके साथ हम एसोसिएट करना चाहते हैं, स्क्वाड गोल्स जैसे हम कहते हैं। इसी तरीके से दीन के अंदर भी एक स्क्वाड गोल है कि अब अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ हो जाए। तो अल्लाह उन लोगों का रास्ता बताइएगा, वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड, वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जिस पर तूने इनाम किया, जो कि अंबिया हैं, सालिहीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। अल्लाह हम उनके साथ क़यामत के दिन रहना चाहते हैं, हम जन्नत में उनके आस पास रहना चाहते हैं, बिकॉज दे विल बी द बेस्ट, उनके पास सारी लग्जरीज होंगी, सारी बेस्ट चीज़ें होंगी, सब उनको प्रेज़ कर रहे होंगे, सब उनकी तारीफ़ें कर रहे होंगे, सब उनको लुकअप कर रहे होंगे। अल्लाह वी वॉन्ट टू बी विद दैम ऑन द डे ऑफ जजमेंट, अनअमत अलैहिम वैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, एंड वी डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जिन पर तूने गज़ब किया, या फिर जिन जो गुमराह हो गए।
अल्लाह इन दोनों में से किसी ग्रुप में नहीं जाना चाहते. दीज आर द लॉस्ट ग्रुप्स, यू डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. मकजूब अलैहिम वलद्दालीन के बारे में उलमा कहते हैं, मकजूब आर द ज्यूज एंड द ज़ालीन आर द क्रिश्चियंस. मकजूब ज्यूज क्यों हैं? क्योंकि उनके पास इल्म था लेकिन अमल नहीं था. दे हैड द नॉलेज बट दे डोंट एक्ट अपॉन इट. वलद्दालीन क्रिश्चियंस क्यों हैं? क्योंकि उनके पास एक्टिविज्म बहुत है, एक्शंस बहुत करते हैं, अमल बहुत करते हैं, लेकिन इल्म नहीं है. वो सही तरीका उनको नहीं पता कि इसका करने का तरीका क्या. हम दुनिया की तालीम तो हासिल करते हैं, दुनिया की बेस्ट एजुकेशन हासिल करने की, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दीन वी डोंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ कुरान, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान, हम इसकी भी कोशिश नहीं करते. तो अल्लाह हम इन दोनों में से किसी एक का पार्ट नहीं बनना चाहते. तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं वलियब्दी मा सअला, वलियब्दी मा सअला फॉर माय स्लेव व्हाट ही आस्क्ड फॉर. इसको दे दो. आप कोशिश तो करें. दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप हासिल करना चाहते हैं, जिसको हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन आप कोशिश ना करें. सिर्फ एक दीन ही है जिसके बारे में हम कहते हैं, हम मांगते तो बहुत हैं, हम रोज़ाना नमाज के बाद दुआ करते हैं दिनों सिरात अल मुस्तकीम, कभी हिदायत मिलती नहीं है. डोंट ब्लेम अल्लाह, ब्लेम योर सेल्फ, क्योंकि आप अमल नहीं करते, आप कोशिश नहीं करते, आप ट्राई नहीं करते. इंशाअल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इस रास्ते में चलने की कोशिश करेंगे, इस कुरान को समझने की कोशिश करेंगे. मे अल्लाह सुब्हान व तआला ब्लेस यू ऑल. जज़ाकल्लाहु खैर फॉर वॉचिंग. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.